तमाम दोस्तों का मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ये एक सिलाई मशीन की मोटर है जो मेरे पास आई है, चल रही नहीं है, स्पार्क कर रही है, स्पार्किंग कर रही है बैक साइड पे। तो हमने इसे सही करना है, इसका फॉल्ट दूर करना है। तो तमाम दोस्त मेरे साथ रहें, मेरे वीडियो देखें। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। दोस्तों ये सिलाई मशीन की मोटर है, ये स्पार्क कर रही है पीछे से बैक साइड पे। तो हमने इसको खोल के इसको सही करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके जो दो ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं कार्बन की साइड की, ये दोनों तो खोल के इसके कार्बन बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों इसके अंदर से जो कार्बन निकले साइडों से हमने साइड पे हल्ले ने संभाल के, ये देखिए हमने इसकी साइडें दोनों खोल ली हैं पेज का से। और हमने क्या करना है, इसके जो पेज दो लगे हैं ना, ये पेज ये दोनों पेज खोलने हैं। दोस्तों हमने इसके पेज दोनों उतार लिए हैं। अब हम इसका कवर जो आपसे खोलेंगे यूँ करके हिला हिला के, देखें कवर इसका निकल रहा बाहर, ये निकल गया इसका कवर, ठीक है दोस्तों कवर हमने इसका खोल लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका आलमीचर नज़र आ रहा आपको, ये यहाँ रेगमल, हमने ना रेगमल से थोड़ा सा डिगड़ना है इसके आलमीचर को, रेगमल से सारा साफ़ करना है। तो फिर इसको हम चला के चेक करेंगे, पहले सबसे पहले रेगमल से इसे साफ़ करें, करने के बाद फिर हम इसे बंद करेंगे। ये पॉइंटों पर सारी जगह पर रेगमल आपने लगाना है और लगाने के बाद फिर इसको हम आगे बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले हम इसका रेगमल लगाते हैं। दोस्तों ये हमने इसे रेगमल लगा लिया। अब हम इसका कवर दोबारा बंद करेंगे, ये वाला जिससे हमने खोला था, हमने इसे दोबारा से बंद करना है। और ये पेचों को अपनी सुराखों पे लेके आगे फिर से हम ग्रिप अंदर को करेंगे, पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखें ये बंद हो गया है। अब हमने इसके पेच कसने दोनों, ये जिसका खुले थे उसी तरह पेच हमने कसने इसके। दोस्तों हमने इसके पेज कस लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसके कार्बन जो है लगाएंगे और लगाने के बाद इसकी जो नाब है वो बंद कर देंगे, एक एक में कार्बन लगाएंगे और फिर इसकी नाब बंद करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा भी सिरा हमने बंद कर लेना है। दोस्तों पूरी वीडियो देखे करें आप, मैं इतनी मेहनत से आप वीडियो बनाते हैं, आप स्किप करते हैं, पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो देखने का। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोनों साइड कस ली हैं। अब हम ये मोटर ये चला के चेक कराएंगे आपको। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर भी रहते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी मेरी। तो अब हम इसका चला के चेक करते हैं। दोस्तों हम स्टार्टर इसका लगाते हैं, लगा के चेक करते हैं मोटर को चला के। तो स्टार्टर जो इसका होता है, हाँ पैर जिसे पैर भी कहते हैं, इसको सही करने की भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। तो उससे अगर जिसका स्टार्टर ख़राब हो वो भी वीडियो में बनाई हुई है और वो वीडियो को देख के स्टार्टर सही कर सकता है। तो ये हम चला रहे हैं, ये देखें कोई स्पार्क नहीं हो रहा है और मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा काम कम्प्लीट हो गया है, हमने मोटर सही कर दी है। तो दोस्त जो हैं वो कमेंट में ज़रूर अपने राय का इजहार करें और जिससे कोई मसला दरपेश है तो वो फ़ोन करके अपना मसला मेरे से पूछ सकता है और सवाल भी कर सकता है, तो उसका मैं जवाब भी उनको दूंगा। तो तमाम दोस्त मुझे ज़्यादा दें, अपने भाई को, अपने दोस्त को, आसिफ साहब को, अल्लाह हाफिज़।